नमस्कार दोस्तों, से यस इस कंपनी के डायरेक्टर, ट्रेनर और बहुत ही बढ़िया एंटरप्रेनर एंड ट्रेनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक जी शिंदे। दीपक जी शिंदे ये ऐसे व्यक्तिमत्व है जिनका सपनों की दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ा कारोबार है, और उस कारोबार को कैसे बनाया, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में सपनों को हासिल किया, किस तरह से सपने देखे और किस तरह से हमारे सपनों को पूरा करने का वो वचन देते हैं, इस तरह से वो हमें सिखाते हैं, ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि हम अपने सपनों को सिर्फ देखना नहीं जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उन्हीं से आज जानते हैं किस प्रकार से सपनों को देखना चाहिए। दीपक सर नमस्कार। दोस्तों रोहन जी थैंक यू वेरी मच। सपनों के बारे में कहना चाहूँगा, एक्चुअली हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस, मेरे ख्याल से अगर हम लोग सर्च करेंगे तो सपने के ऊपर, ड्रीम के ऊपर, विजन के ऊपर काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। तो सपनों के बारे में दोस्तों आपको मैं 6 स्टेप बताना चाहूँगा जो मैं आपको भी बता रहा हूँ और खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर हमारे भारत की हम बात करें, 125 करोड़ लोग इस देश में हैं, अगर लोगों को सपने अगर पूछेंगे तो वो पूरा 1 पेज या 10 पेज भर के बताएंगे हमारे सपने क्या क्या है। और अगला सवाल अगर पूछेंगे कि ये सपने पूरे करने के लिए आपने क्या कदम उठाए, तो शायद उनमें से 95% लोग ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने ये सपने पूरे करने के लिए अब तक क्या किया है। सही बात है। कुछ लोग हमारे साथ कांटेक्ट में आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ हमारे सपने तो बहुत बड़े हैं, हमारे इरादे भी बहुत नेक है, पर क्यों, क्या करें, हमें आगे क्या करना है, ये हमें समझ में नहीं आता। शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों की दीपक जी शिंदे हैं, उन्होंने हमारे साथ 6 ऐसे टिप्स, 6 ऐसे तरीके बताए हैं जिस तरीके से हम अपने सपनों को जी सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं, और शायद इसके आगे का जो है वो ज्ञान हमें सपने पूरे करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही वो जो जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दीपक जी बताइए हमें कि किस तरह से हमने हमारे सपनों को देखना चाहिए, किस तरह से हमारे सपनों को लिखना चाहिए, जरा इस बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को बिल्कुल अच्छे से बताइए। जरूर। तो पहला स्टेप आपको बताना चाहूंगा, पहला स्टेप है डिसाइड। पहले आप डिसाइड करो कि लाइफ में आपको बनना क्या है। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन है लोगों में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है कि लोगों ने डिसाइड नहीं किया उसको जिंदगी में क्या बनना है, वो कंफ्यूज है उसको करना क्या है। तो पहला स्टेप है कि जीवन में आपको क्या पाना है ये डिसाइड करो। उसके बाद में दूसरा स्टेप है उसको लिखो। लिखो यानी आपको ये कंफर्म होगा कि ये मुझे पूरा करना है, और उसको डेडलाइन देना। जैसे हम लोग कहेंगे कि भाई, जैसे सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया था कि ये तारीख को मैं सेंचुरी करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। महात्मा गांधी जी ने ये डिसाइड नहीं किया था कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलेगी, ये बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये एक डेडलाइन देने के बाद में उसके आसपास हमारा ये अचीवमेंट हो सकता है, तो डेडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप हो गया डिसाइड आपको करना है, उसके बाद में लिखना है, डेडलाइन देना है, उसके बाद में आपको जो चौथा स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, टेल पीपल यानी दुनिया को बताओ। जब तक आप अपने सपने अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताएंगे, तब तक वो आपकी इज्जत का सवाल नहीं बनेगा। हाँ, आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आपका सपना पूरा होने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका BMW अगले साल आने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका 3 BHK 4 BHK फ्लैट या आपका बंगला जो अगले साल आने वाला है, तो दुनिया को बताओ, आपके दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बताओ, और अपने सपनों को इज्जत का सवाल बनाओ। उसका अगला स्टेप बताऊंगा मैं दोस्तों, दुनिया आपके सपने पे भरोसा करे नहीं करे, 5वां स्टेप जो बता रहा हूँ, आपको खुद को आपके सपनों के ऊपर भरोसा करना होगा, ट्रस्ट। और 6वां स्टेप जो काफ़ी लोग नहीं करते, यानी डिसाइड कर लिया, राइट कर लिया, लिख लिया हमने, डेडलाइन दे दिया, दुनिया को बताया, भरोसा भी करना सीखा, लेकिन इन सब चीज़ों पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये सब मेहनत हमारी बेकार जाने वाली है दोस्तों। तो जो भी सपना पूरा करना चाहते हो उस हिसाब से आपको एक्शन करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखें, हम सोचें कि मेरा सपना सिर्फ मैंने देखा नहीं है पर मैंने उसे पूरा करने का अपने आप से वादा किया है। इसलिए जो सर ने बताया हमें कि किस प्रकार से हमें अपने सपनों को लिखना चाहिए, और उसके बाद हमारे सपनों को बहुत लोगों से बताना चाहिए, और उसके बाद खुद के ऊपर और अपने सपनों के ऊपर जो भरोसा रखना है वो बहुत ही ज़रूरी है, पर इसके बाद जो सर ने हमें बताया वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए, तो एक्शन आपको लेना है दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा, आज आप किस घर में रहते हो मायने नहीं रखता है, 1 साल या 5 साल के बाद आप किस घर में रहने वाले हो वो मायने रखता है, आपके बैंक में अकाउंट में कितना पैसा ये मायने नहीं रखता है, 1 साल या 5 साल बाद कितना अकाउंट में होने वाला है ये मायने रखता है, आज आपके पास कौन सी गाड़ी है ये मायने नहीं रखता है, 1 साल या 5 साल बाद कौन सी गाड़ी होने वाली है वो मायने रखता है। इसलिए बड़ा सपना देखो, बड़े बड़े सपने को पूरा करने के लिए हमें बड़ा सपना देखना है, और इस प्रकार
उस सपने को देखने के बाद पूरा करने के लिए हमारे साथ दीपक शिंदे जी है। दीपक शिंदे जी, हमें आपको एक हमारे दर्शकों के लिए बताने की गुजारिश करता हूं कि किस प्रकार से हमारे जो दर्शक है वो आपसे जुड़ सकते हैं, आपके जो ज्ञान का फायदा ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, दीपक शिंदे सेल्स नाम का फेसबुक पेज है, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो रोहन जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोहन जी। थैंक यू सर। थैंक यू।